आज बोतला खुलन दो दारू शारू ढुलन दो विस्की दा पेग लगा के सारी दुनिया भुलन दो पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट वी डू पार्टी ऑल नाइट वी डू पार्टी ऑल नाइट ए गाइस आज मिशन ओवर हो गया यार। हां सीन क्या है? सॉलिड प्लान बनाते हैं आज रात का। व्हाट्स इट गाइस? गाइस यू नो व्हाट, हमारे जो आधे प्लान्स होते हैं ना वो इन द एयर होते हैं। ट्रू। सी मायरा एंड हृदय यार अपनी आउटिंग अलग करते हैं। दैट ओवररेटेड गर्ल इन द कॉलेज, ऑफ कोर्स नेहा ऋषिक उसके पीछे पड़ा हुआ है, एंड चारू बुक लवर, आई हेट हर, एंड सी योरसेल्फ प्रणव, दिन भर दारू दारू दारू, यार कितनी बोरिंग टीम है हमारी, इजंट इट? आई स्वेयर सुपर अजीब ग्रुप है हमारा। ओए आज फ्राइडे है तो नो तो दारू पीने का दिन है। तुम्हारा ये दारू ऑब्सेशन है ना एक दिन एडिक्शन में बदलने वाला है, एंड यू नो व्हाट, तुम्हारा लिवर ना फटने वाला है। हाँ। अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में, फिर भी देखो लिवर मेरा वोद का पुकारे। राना हम तू कभी नहीं सुधरने वाला ना यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओएमजी ही इज सो क्यूट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Control your emotions, man. What is wrong with you? चाहे उम्र में थोड़े बड़े but professor है। Age, no bar in love. Got it? वैसे यार बंदा बड़ा सही है ये। भाई उस दिन quiz winning team को beer offer कर रहा था। So cool. I know. अबे तरह के। Hi guys, good morning. Good morning, sir. Hello, sir. So. Yeah. Happy birthday to you, sir. It's not my birthday. Please come to the point. Can I know which book is this? A very dear friend of mine has written this book. It is about twin souls. Sir, you mean soulmates? As in, dil to pagal hai types? As in, hamare liye bhi koi bana hai, waise? Wow, that sounds really interesting. Well, soulmates are different from twin souls. Really? And how's that, sir? Let me put it this way. Soulmates to bahut sare hote hain. लेकिन ट्विन सोल एक ही होती है। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं तो इट मींस ट्विन सोल्स? नॉट नेसेसरीली, बट अ मेजर साइन ऑफ ट्विन सोल्स इज दैट दे मीट इन अ वेरी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। सर, बट इसे पता कैसे चलेगा कि हमारा ट्विन सोल कौन है? वेल, व्हाई डोंट यू रीड इट फॉर योरसेल्फ? सर, कैन आई बोरो दिस बुक? श्योर। लेट्स डिस्कस ओवर अ कप ऑफ कॉफी। थैंक यू सो मच सर। अब तो ये इंटरेस्टिंग बुक पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, वो भी सर के साथ। ओके सर, सी यू टुनाइट एट द कैफेटेरिया। अच्छा सर, मैं बियर लाऊं? कहते हैं कुदरत में कोई भी बात बिना किसी कारण के नहीं होती। आज जब ये नॉवल लिखने बैठा हूं तो मैं भी मानने को मजबूर हूं कि ये सच है, क्योंकि 5 साल पहले 2008 हवलदार, इन सबको वैन में भरो। ए काइको, रिमांड होम भेजना है तुम सबको। मैं नहीं जाएगी। अच्छा, जाएगी कैसे नहीं रे? छोड़ दो मेरे को, काइको ले तो मेरे को यहाँ पर। हाँ, क्योंकि मैं धंधा करती है। हाँ करती है मैं धंधा, तो क्या? बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, चल बताती हूँ। एक मिनट। No forcing, please. देखो तुमसे यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। कोई कर भी नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, पर तुमसे बात तो कर सकती हूँ ना मैं? हाँ बोल।
मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी जिंदगी है और हम कोई नहीं है तुम्हें कुछ कहने वाले, पर मुझे सिर्फ 2 दिन दे दो अपनी पूरी जिंदगी से। 2 दिन तो दे ही सकती हो ना मुझे? हमारे साथ 2 दिन आश्रम में रह लो। मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम्हें ठीक नहीं लगा तो जो बोलोगी तुम वही होगा। ए सर के लिए ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत करा मेरे साथ। ए तू करेगी क्या धंधा मेरे साथ? आ जा, क्या बोलती तू? आती क्या? ए, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, हाँ? मुंह बंद कर अपना। तो मुझे छोड़ दो। छोड़ देंगे, सिर्फ 2 दिन मेरी रिक्वेस्ट पे, प्लीज। भाई साहब, जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 मिनट चले, आता गेली गेली क्या? चली गई? गेली। तो फिर कोटा के लिए नेक्स्ट कोई ट्रेन? मैडम अभी आधे घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन है, संपर्क क्रांति, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी, उसी में मेरी भी ड्यूटी है, अगर आप चाहें तो मैं आपका। थैंक यू सो मच। हो सकता है उसी में पता चल जाएगा। और फैंस ऑफ बोल के खुद ही फैन बंद कर दिया। तूने तो पहले ही बोल दिया। ओके गाइस, आई विल सी यू इन दिल्ली। क्यूबे ट्रेन में नहीं मिलेगा क्या? नो, मैं शांत और सुखद यात्रा करना चाहता हूँ। साले मूतने के लिए तो निकलेगा ना गुफे से बाहर, तब हमसे भी मिल लियो यार। और एक आध लवली लवली। आई विल सी यू गाइस इन दिल्ली। थैंक यू। ओए सैमी, स्टेशन पे आने की कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरी ट्रेन लेके आ रही हूँ। डोंट वरी, आई विल मैनेज। या आई विल। ओके, मैं बाद में फोन करती हूँ। Excuse me, have you met before? Met before? हम एक दूसरे के साथ एक पूरी रात गुजार चुके हैं सामी। I mean, Mr. Soumitra Roy. ठीक नाम लिया ना मैंने? मैडम, अब तो आपको ट्रेन छूटने का अफसोस नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं थैंकफुल हूँ मुंबई के ट्रैफिक के। वो किस लिए? क्योंकि अगर मेरी पहली ट्रेन ना छूटी होती तो वो ट्रेन शायद मुझे कभी ना मिलती, जिसका मुझे परसों से इंतजार था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ तो मिसेज दिवांशी एस रॉय, टिकट बना दूँ आपकी? हाँ, मुंबई से दिल्ली। लेकिन ये टिकट तो कोटा तक। उस वक्त एक्चुअली कोटा तक ही कंफर्म टिकट मिला, सोचा था रास्ते में एक्सटेंड करवा लूंगी, पर अब ट्रेन ही नहीं है तो। एकदम बोगस बंडल आदमी है यार ये सैमी। अबे अच्छे खासे जा रहे थे हम लोग साथ में, हाँ? निकल लिया भाई दूसरे कंपार्टमेंट में, और ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहा है कि भाई तुम अजीब अजीब बातें करोगे, खाओगे पियोगे। मैं तो जा रहा हूँ भाई। तो भाई जा ना, किसने रोका है? ओ भाई सुन। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बाद में करियो, पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है? सर चांद बाबू। तो चांद बाबू, आप हमें ये बताइए कि आप हमारे लिए कर क्या सकते? सर सारे चमत्कार दिखा सकता हूँ, आप बस थोड़ा ढीला कीजिए। अबे क्या बात है भाई, बंदा सही है यहाँ। सो मिसेस देवांशी एस रॉय, हाउ आर यू नाउ? डोंट गेट आइडियाज, आई एम स्टिल सिंगल। अच्छा, तो फिर ये मिस्टर एस रॉय कौन उल्लू का पट्टा है? अब सारी बातें अभी बता दूंगी तो जर्नी बोरिंग नहीं हो जाएगी? कुछ बात के लिए भी रहने दो।
एक जमाने के बाद मिल रहे हैं हम। हमारी इन दोनों मुलाकातों के बीच कितना वक्त गुजर चुका है? एक सदी का। 2008 में हम मिले थे, आई गेस। यस, इट वॉज 2008। इट्स बीन 5 years। हाँ, 2008। डेट शायद तुम्हें याद नहीं होगी। इट वॉज 15 सितंबर 2008। पिछले 5 सालों में कभी याद किया मुझे? हाँ, कभी भी याद नहीं आई उस रात की जो हमने साथ गुजारी थी। सेब ध्यान से काटो वरना हाथ कट जाएगा। एक चेंज तो आया है तुम में। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो गया है। इसका क्रेडिट डेफिनेटली अक्षरा को जाना चाहिए। सही नाम लिया ना मैंने? तुम्हें उसका नाम भी याद है? अच्छा फर्ज करो अभी अक्षरा का फोन आए तो उसे क्या कहोगे? क्या कहूंगा, ट्रेन में हूँ और क्या। ट्रेन में तो हो, लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि किसके साथ हो तो बोल दूंगा कि एक पुरानी फ्रेंड के साथ सफर कर रहा हूँ। क्या वाकई में मैं तुम्हारी पुरानी फ्रेंड हूँ? हाँ, जो मुझे मेरे दो बदतमीज दोस्तों की वजह से मिली थी। देख तो साला कैसे मुंह बना के बियर पी रहा है। अरे भाई, फेयरवेल पार्टी मेरी है, कायदे से तुम लोगों को वो करना चाहिए जो मुझे पसंद हो, पर हो रहा है उल्टा। बेटा अभी तो शुरुआत है, ले थोड़ा दम मारो, दम हो जाए। अबे ले ले पी। अरे पी ना थोड़ा। अभी खुश, सिगरेट भी पी ली, बियर भी पी ली, हैप्पी ना? एंट्रेंस एग्जाम और मेन एग्जाम में तो दो पास हो गया, अभी तेरा इंटरव्यू बाकी है। इंटरव्यू का मतलब क्या है? कहा था ना, यहाँ का मस्त मक्खन माल है, एकदम हरियाली और रस्ता आइटम। यही क्या रे वो गाय छाप लाल दंत मंजन? ट्रेनिंग के लिए लाया तेरे पास। मैं यहाँ तेरे को ट्रेनर दिखती है क्या? हाँ, जिम खोल के बैठी मैं इधर। लॉन्डिया नहीं है ये, हैबिट है, हैबिट। ऐसे ही थोड़ी ना सब लोग इसे मल्लिका कह के बुलाते हैं। हाँ चलो बे लॉन्डो, इन दोनों को खेलने दो कबड्डी। तुम दोनों के लिए भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करती है मैं। चलो। अरे ओ बिपाशा, खेलती क्या एक बाजी? ना रे मैं ना खेलती, वो हलकट सांप हमेशा मेरे को काट लेता है, और खासकर इसकी माँ का वो बड़ा वाला जो 98 पे बैठा रहता है। ये ले तेरा किट। किट मतलब? जरूरत का सामान रे, कॉटन, साबुन, कंडम, अगरम बगरम, देख ले। खिलाड़ी उतरता है ना मैदान में जैसे पूरी तैयारी के साथ, वैसे ही ये सब तेरी तैयारी का सामान है। मैं खेल खेलने उतर रहा हूँ क्या मैदान में? ये तेरा फर्स्ट टाइम है ना,
तो तू इसे खेल का मैदान नहीं, लड़ाई का मैदान समझ। और सुन, मैदान कोई भी हो, मल्लिका को हारने वाले प्यादे बिल्कुल पसंद नहीं, समझा? ये हार जीत का सवाल तो तभी उठेगा ना जब मैं तुम्हारे इस मैदान में उतरूंगा। तो सोच क्या रहा है, उतर ना। वो बैठ के बातें करते हैं ना। इस सरकीले टाइम खोटी मत कर, चल उतार कपड़े, उतार। जरूरी है क्या? तू तो कुछ जास्ती खिसके लाए रे। ले अपने पैसे और फट ले यहां से। आ, आ, तेरी माँ का, देख कितना मनहूस है तू, तेरी वजह से आज क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। छूना मत, छूना मत, अपना पैसा ले और निकल यहां से। रख लीजिए, वैसे आप ही के तो हैं। नहीं चाहिए तेरी खड़ात, अपना उसूल है, काम नहीं तो पैसा भी नहीं। तो ठीक है, फिर एक काम कर दीजिए मेरा। क्या? वो मेरी जीन्स का बटन जरा लगा दीजिए। नहीं मतलब यहाँ आते वक्त टूट गया था, अगर आप। अबे तू आदमी है या बिना आलू की रगरा पैटीज? 5,000 रुपए देकर यहाँ बटन ठीक करवाने आया है? इसमें तो 2 नई पैंट हो जाएगी तेरी। तो क्या करूँ मैं, अब इस वक्त मेरे पास इसके अलावा और कोई काम है नहीं आपको देने लायक। तुझे क्या लगता है मैं ये का काम करेगी? ऐसी कोई औरत नहीं जो सुई धागा लेके एक बटन ना लगा सकती हो। मैं तेरे को औरत दिखती है? हाँ। उतार। क्या? पैंट उतार और क्या? ओ। बटन लगाना है ना? मल्लिका के सामने कोई शर्माए, अलग जाकर कपड़े बदले, मेरी रेपुटेशन की तो आज वाट लग गई। नहीं लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं ही शायद हूँ थोड़ा अजीब सा, और आपका दिल अगर दुखाया मैंने तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। क्या हुआ रे, क्या ढूंढ रहे लिए? सुई धागा। किसी से कहना मत बाहर जाके, वरना अपनी इज्जत की तो माँ बहन हो जाएगी और साथ में तेरी भी जाएगी, सब लोग तुझे खस्सी बोलेंगे। मल्लिका जैसी एक के साथ एक रात गुजारने के बाद भी कुछ नहीं किया तूने, क्या देख रहा है? नहीं सोच रहा हूँ यही कि जिसे हम बेशरम कहते हैं उनको भी लोगों का डर होता है। अरे ये डर की बात नहीं, रेपुटेशन की बात है, तू नहीं समझेगा। क्या ढूंढ रहा है, मूड बन गया क्या? नहीं एक्चुअली मुझे वो टूथब्रश और टूथपेस्ट चाहिए था। किस लिए? वो यहाँ आने से पहले वो हैरी और सोमू ने जबरदस्ती मुझे सिगरेट और बियर पिला दी थी, तो मुंह का टेस्ट कुछ अजीब सा है। अबे जब दोस्तों के कहने पर बियर पी ली, सिगरेट पी ली, यहाँ भी आ गया तो फिर वो भी कर लेना। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ धोखे से लाया गया है। तू क्या दूध पीता बच्चा है, धोखे से लाया गया है? एक्चुअली यू आर राइट, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मैं सच्ची में पूरा अनाड़ी हूँ, रियली। तू अनाड़ी नहीं है, खोचू है। वैसे एक बात पूछूं, तू बुरा तो नहीं मानेगा? तू ये सब करने के लायक तो है ना? चाय ले लो, चाय मसाला दार चाय ले लो, चाय कुल्हड़ वाली चाय, चलेंगे सब? बोले साहब,
मसालेदार चाय है, कुल्लड़ वाली, बहुत टेस्टी है साहब। एक बार पी के देखिए साहब, आप वो हो जाओगे, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिफ्रेश हो जाओगे। तो यहाँ के बर्तनों में चाय पिएगा? कोई मुंह से भी नहीं लगाता हमारे ये बर्तनों को। इसमें दोष बर्तनों का नहीं, उन लोगों का है जो अपनी कलाई खुल जाने के डर से इसे मुंह नहीं लगाते। क्या सोच रहे हो साहब, दूं क्या साहब? चल पिला देख। हाँ साहब, ये लो साहब। थैंक यू। एक मुझे भी। और एक दे दे। हाँ। ये लो मैडम। तेरा नाम क्या है बेटा? साली कुत्ते की पूछ को 15 साल तक नली में बंद रखो ना, तो भी वो सीधी नहीं होती। एग्जाम्पल 12 साल का होता है। अबे तो 3 साल मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो क्या गुना कर दिया? तो मैं क्या कह रहा था यार, हाँ कुत्ते की पूछ, वैसा ही अपना सैमी साहब कभी सीधा नहीं होता। चल देख कर आते हैं सैमी बाबू कर क्या रहे हैं। तेरे को जाना है तो जा, वैसे भी अपन ने ड्रिंक कर रखी है, ऐसे उसके पास जाएंगे बुरा मान जाएगा। छोड़ ना, मॉर्निंग में मिल लेंगे उसे, तू दारू पी ना। चाय लगता है बहुत पीने लगे हो। 5 साल पहले पहली बार तुम्हारे साथ ही पी थी, उसके बाद आदत पड़ गई। उस दिन सिर्फ तुमने ही नहीं, मैंने भी पहली बार चाय पी थी। इनफैक्ट पी ही नहीं थी, बनाई भी थी पहली बार। वो अलग बात है कि मुझे आदत नहीं पड़ी। आदतों का क्या है देवांशी, मेहमान बनकर हमारे घर आती हैं और बाद में हमारी मेजबानी करने लगती है। तू इस सड़ेले को चलता करना। दारू के पैक बनवाने वाले तो हजारों मिले नजमा, पर जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसने मुझसे चाय बनवाई है। जैसा भी है, पर इसके जाने के बाद कम से कम मुझे नहाना तो नहीं पड़ेगा। जब से मैं इस धंधे में हूं, तू पहला कस्टमर है जिसके साथ मैं चाय पी रही है। सिर्फ चाय क्यों, बहुत कुछ पहली बार हुआ है आज आपके साथ। तेरे दोस्त जिस मकसद से तुझे यहां लेकर आए वो तो किया नहीं तूने। गरम है, धीरे से पी। बीवी के सामने पहली रात को मैच हार जाएगा तू, अभी भी वक्त है, प्रैक्टिस कर ले। हाय अक्षरा। इतना ढीला हाय, अभी शादी हुई भी नहीं है और अभी से ये हाल। जरा हमें देखो कैसे चहक रहे हैं। अम्मा यार थोड़ी सी एनर्जी लाओ। नहीं नहीं ये बात नहीं है, एक्चुअली मैं तुम्हारा फोन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब किसी और का फोन एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? चोरी पकड़ी गई बाबू मोशाए। अक्षरा मैं तुम्हें मॉर्निंग में फोन करता हूँ। अम्मा यार बड़ी जल्दी है तुम्हें फोन रखने की, कोई डेट वेट पे तो नहीं हो ना, कोई किसी पप्पी का सीन तो नहीं चल रहा वहाँ पे? अच्छा मतलब तुम चाहती हो कि मैं किसी पप्पी का सीन करूं, राइट? खबरदार ऐसे सोचा भी तो, देंगे कंटाप पे कंटाप। JNU के प्रेसिडेंट है हम, मजाक है क्या? अच्छा चलो रखते हैं, कल बात करते हैं। वैसे हो कहाँ अभी? एक दोस्त के पास। लड़का या लड़की? लड़की। नाम क्या है उसका? मल्लिका। सारे काम करवाए हैं तूने मुझसे, बस एक झाड़ू कटके को साइड में रख, बाकी तो सिलाई कढ़ाई रसोई का काम और अभी चंपी बॉम्ब। कुछ भी तो नहीं बचा। वाकई में बहुत महंगी पड़ी मुझे ये रात। महंगी तो मुझे भी पड़ी बहुत ये रात, और ठीक ही है, इसे महंगा होना भी चाहिए था, वरना सस्ती रातों की कीमत पे ऐसी गालियां बकने वाली मल्लिका तो मिलने वाली थी नहीं। मजाक उड़ा रहा है ना मेरा, देख लेना एक दिन तेरे को तेरे माफिक जुबान बोल के दिखाएगी मैं, टिप टॉप साहिब वाली। मैं कैसे देख पाऊंगा, मैं तो रहूंगा नहीं तुम्हारे पास। मैं फिर भी अपनी जुबान सुधारेगी ताकि कहीं किसी गली सड़क चौराहे पे हम टकराए
तो तेरे को मेरे से हेलो सेलो बोलने में शर्म ना आए। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? क्या करेगा, एक रात का तो मेहमान है तू। नहीं बताओ ना, कुछ कर सकता हूँ? सच में करेगा? हाँ अगर मेरे बस में तो जरूर करूंगा। अच्छा वक्त काटने लोग आते हैं मेरे पास। आज ये मल्लिका यहाँ की सबसे बड़ी, थोड़ा सा अच्छा वक्त मांगती है तेरे से, दे सकता है? सैमी मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैडम ने मुझे आने दी तेरे साथ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हीं ने तो कहा था कि अच्छा वक्त चाहिए तुम्हें। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे अच्छा वक्त खरीदने जा रहा है। अच्छा वक्त खरीदना पड़ता है वैसे। हाँ ये अलग बात है कि वो पैसों से बिकता नहीं, उसे दिल से खरीदना पड़ता है। चाचा जरा लेफ्ट लेना। सैमी ये कहाँ लेकर आ गया मेरे को? कपड़ा खरीदेगा क्या मेरे लिए? हाँ क्यों, इन कपड़ों में मैं अच्छी नहीं लग रही? तुम तो अच्छी लग रही हो लेकिन ये कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लग रहे। May I help you, sir? Yeah, she needs to choose a sari, so please. रोजी? Yes, sir. मैम को इनकी चॉइस की साड़ी बताओ। Sure, sir. Any particular liking, मैम? ओ, ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी कोई खास पसंद हो तो इन्हें बता दो। मैं साड़ी पहनती कहाँ रही? अब पसंद बोले तो जो श्रीदेवी पहनी थी ना चांदनी फिल्म में, वैसा कुछ फिरा दे मेरे को। चल जास्ती ऐसे हैरानी से देखने का नहीं मेरे को, हाँ वरना तेरी ये लालटेन गिर पड़ेंगे या जमीन पे। रोजी तुम लेके जाओ मैम को। मैम प्लीज। ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ हूँ। और सुनो कीमत की फिक्र मत करना, जो अच्छी लगे वो ले लेना। क्या हुआ सैमी? ये आइटम लोग कुछ भी टिका रहे ले मेरे को, मुझे इन पे भरोसा नहीं। एक काम करना, तू मेरे लिए साड़ी पसंद करना, जो तू पसंद करेगा वही मैं पहनेगी। गुड चॉइस सर। मैम ट्रायल रूम उधर है। वो बोले तो वो जगह जहाँ हम ये कपड़े पहनकर देखते हैं कि ये हम पर कैसे लग रहे हैं। इसकी माँ की आँख, तो ऐसा बोलना चाहिए ना। चल चलो सैमी। लुकिंग रैविशिंग कंप्लीट वुमन। क्या इंग्लिश की माँ बहन करके ना समझा मेरे को, हिंदी में बोलना। कैसी लग रही मैं? मेरे कहने का मतलब था कि एक भरी पूरी औरत लग रही हो। उसमें क्या रे, भरी पूरी तो मैं हूँ ही। हाँ पहले सिर्फ भरी थी, अब पूरी हुई हो। आना, जब मैं बहुत खुश होती है ना सैमी, तो यहाँ आती है, खुल के धमाल करती है, डांस करती है, हल्ला मचाती है। यहाँ सब धंधे वालियाँ हैं, उनके कुछ खासम खास लोग हैं, पीच वाले टाइप के लोग। क्या है वो तुम्हारे लोगों का क्लब लिप चलता है ना, बस ये वही है हमारे लिए। काहे को लेकर आई रे तू इसे यहाँ? तुझे पता है ना कस्टमर अलावड नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं बोलने का, कस्टमर नहीं है मेरा। कस्टमर ना सही, आसिक ही सही। वो मेरा आसिक नहीं,
मैं उसकी आशिक है। मुझे डांस करना नहीं आता। चल ना। अरे मुझे डांस करना नहीं आता। अरे तो यहाँ कौन सी डांस की माँ की आंख करनी है? यहाँ तो सिर्फ आगे पीछे का सामान हिला और डांस बिजनेस हो जाती है। चल ना। कल तो तू नहीं रहेगा मेरे साथ, आज की रात मेरी खातिर थोड़ा सा ही सही। नहीं ना, प्लीज। बहुत शादी के बाद तुम्हारा कोई अफेयर हुआ है? इवन अ वन नाइट स्टैंड? सॉरी, व्हाट? नहीं, वैसे ही मन में आया तो पूछ लिया। आई हैव फुल राइट टू आस्क यू एनीथिंग, है ना? कोई वन नाइट स्टैंड, कोई अफेयर, कुछ नहीं हुआ। बट इफ यू वॉन्ट, आज हो सकता है। बड़ी मस्ती करने लगे हो आप, तब तो एकदम बुद्धू डिब्बे से थे, और अब फोन करो अक्षरा को, बोलती हूँ उसे कि देखो कितना कैरेक्टरलेस है तुम्हारा ये हस्बैंड। अरे अच्छा, नाउ टेल मी समथिंग, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत होगी तो तुम तो अक्षरा को फोन कर लोगी, लेकिन अगर मुझे तुमसे कोई शिकायत हो तो मैं किसको फोन लगाऊं? उस लंगूर मिस्टर एस रॉय को? शौक से। अच्छा, तो दो नंबर दो। अपना नंबर डायल कर लेना। मतलब? अब इतने बुद्धू भी नहीं हो तुम। व्हाट? लोगों के सवालों से बचने के लिए मैंने तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जोड़ लिया। इतना हक तो है ना मेरा? तुम्हारे सिवा रिश्तों के मामले में मेरा अकाउंट एकदम निल है सामी। यू नो, मुझे ना बचपन से ही लूडो खेलने का बहुत शौक था, पर मेरी किस्मत देखो, मैं कभी भी इसमें जीत नहीं सकी। उस 98 पे बैठे सांप ने मुझे हमेशा डसा है। Enjoying the journey, sir? Yes, very much. Thank you. Good, very good. अच्छा, कितनी देर का stoppage है यहाँ? यहाँ कुछ लंबा stoppage है, 10 मिनट। हाँ। कहिए, anything you need, sir? Actually, never mind. I'll manage myself. Okay. Thank you. भाई साहब, यहाँ तो नहीं मिलेगी। आपको main platform पर जाना पड़ेगा। अच्छा, उस side? यहाँ, that side. भाई साहब, आप उधर जाइए मत, आपकी train छूट जाएगी। Thank you.
ये कहते तुम? अगर ट्रेन छोड़ जाती तो क्या हाल होता मेरा? अक्षरा होती तो ऐसे ही करता उसके साथ? पागलों की तरह ट्रैक्स क्रॉस कर रहे थे तुम, आखिर लेने क्या गए थे वहां? क्या है इस पैकेट में? लूडो? तुम लूडो लेने गए थे? जी हाँ, ताकि तुम मेरे साथ खेल सको और तब तक खेलती रहो जब तक ये 98 पर बैठा सांप तुम्हें और परेशान ना करे। चेन खींची आपने? मैडम, मैं चाहूं तो बहुत बड़ा जुर्माना लगा सकता हूं आपको। ऐसे हजार जुर्माने सैमी पर कुर्बान सर, जितना चाहे फाइन लगा लीजिए। हजारों जुर्माने तो रेलवे मिनिस्टर भी माफ नहीं कर सकता मैडम, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आइंदा से आपको चेन खींचने की जरूरत ना पड़े। ओके, आज जिंदगी में मुझे पहली बार अफसोस हो रहा है कि मैंने मोहब्बत क्यों नहीं की, करनी चाहिए थी यार। दीवानशी, इस सफर के खत्म होने के बाद कहीं हमें भी अफसोस ना हो कि हमने मोहब्बत क्यों नहीं की, क्या कह दिया? तो फिर बाद में अक्षरा ने मलिका के बारे में और कुछ नहीं पूछा? हाँ पूछा ना। तो तुमने क्या बताया? वेट, लेट मी हेल्प यू। थैंक्स। मैंने कहा कि वही हुआ जो अकेले में एक लड़की और लड़की के बीच होता है। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था उस रात। पर आज हो सकता है। क्या बात है, फुल टू नॉटी मूड में लग रहे हो। हाँ तो मैडम भी तो बहुत नॉटी और रोमांटिक मूड में है। मैडम तो 5 साल पहले भी रोमांटिक मूड में थी, तब सर नहीं कुछ नहीं किया तो वो बेचारी भी क्या करती। कुछ नहीं किया इसीलिए तो इतना बड़ा चेंज आया मेरी जिंदगी में। एनीवेज, मेरी छोड़ो। You tell me about your first night experience with your wife. What? हाँ, अरे बताओ ना, इसीलिए तो आए थे मेरे पास ताकि अक्षरा के सामने अनाड़ी ना लगो। हाँ तो तुमने सिखाया कहाँ कुछ? अरे तुमने सीखा कहाँ कुछ, स्टूडेंट के भेष में तो प्रोफेसर बनकर आए थे मेरे पास। एनीवेज, कुछ तो बताओ उसके बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग सा। इतने भी सुंदर नहीं है जो हर वक्त हमारी फोटो खींचते रहते हो। और क्या करे भाई, मजबूरी है। ये दिल्ली शहर मेरे लिए नया है, तो जब तक मेरे इस कैमरे को और कोई फोटोजेनिक फेस ना मिल जाए तब तक काइंडली कोऑपरेट मैडम। बहुत मारेंगे अगर हमारे होते किसी दूसरे फेस की बात की तो। जरा देखे तो क्या आम पापड़ खींचे है आपने। Virat, you're such a good photographer. Well, I suppose I'm a good husband too. 100 out of 100. You're my Shona Raja husband. Mm-hmm. लेकिन अगर तुम खुद को अच्छा हस्बैंड कहकर अपनी तारीफ करते हो, mm-hmm. तो तुम्हें उसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा। मतलब? मतलब हम समझाते हैं मेरी जान। वो क्या है ना कि हमें दिन में एटलीस्ट 4 बार तो चाहिए होता है। क्या? सेक्स? Shut up! मारेंगे हम। हम तो सिगरेट की बात कर रहे थे। अच्छा सिगरेट? लेकिन हमारी शादी को तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है और मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें पीते हुए। वो हम टॉयलेट में छुप के पीते थे ना। वो क्या है ना कि आप हमारे लाइफ पार्टनर हैं और हम आपसे कोई भी बात छुप छुप कर नहीं करना चाहते। लेकिन पिछले 1 महीने से तो छुप कर ही पी रहे हो। तो अब शादी के तुरंत बाद कह देते कि हम सिगरेट का शौक फरमाते हैं। अब ऐसी नजरों से ना देखे हमें, हम कोई कान वान नहीं पकड़ने वाले, कह देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शादी के पहले किसी लड़की के साथ प्यार हुआ था तुम्हारा? नो यार, नेवर। बोलो ना, हमने तो सब कुछ बता दिया अपने बारे में। नाउ इट्स योर टर्न।
प्लीज टेल ना। You'll probably feel it a bit strange. But the fact is that जब मैं मुंबई में था तो मेरे दोस्त मुझे किसी के पास ले गए थे। You mean a prostitute? We are extremely sorry, Akshara. Mistake हो गई हमसे। Blunder हुआ है। Blunder इस बात का नहीं कि तुम सैमी को वहाँ ले गए, बल्कि इस बात का है कि वहाँ ले जाकर भी उसे कुछ करवा नहीं पाए। What? क्या बोल रही हो? हाय, कैसे समझाएं इन बेवकूफों को? पता है क्या इमेज बनाई थी हमने अपने हस्बैंड की और क्या निकला वो? हंसो मत, लानत है तुम लोगों की दोस्ती पर कि मेरी सैमी की वर्जिनिटी तक नहीं तोड़वा पाए। डूब मरने का मन नहीं किया तुम लोगों का? बहुत किया अक्षरा, लेकिन क्या करे, साला पानी नहीं मिला कहीं। अच्छा चलो अब दफा हो जाओ तुम लोग, हमें अपने सामी को किस करना है। पांच साल के बाद पहनी है ये साड़ी। एक पूरी रात की कहानी लिपटी हुई है इस साड़ी में। एक रात की नहीं, पांच साल की। अरे सैमी, तुम? अरे सर आप, हाय। हाय, ये मेरी वाइफ। नाइस टू मीट यू। हेलो, ही इज माय असिस्टेंट, अभी भी ज्वाइन किया है एज फोटो जर्नलिस्ट। एक्सक्यूज मी। हाँ सर, ये मेरी फ्रेंड है मल्लिका, एंड दिस इज माय बॉस मिस्टर मेहता। हाय मल्लिका, व्हाट डू यू डू? यू सीम टू बी अ कॉर्पोरेट वुमन, राइट? अरे भाई क्या हुआ, मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया क्या? मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि आप करती क्या हैं। मैं धंधे वाली है। चलो हेलो। यस सर। माल अच्छा है सैमी, करारा है। कल रात फिक्स करवा मेरे लिए, पूरी रात ऐश करूंगा साली के साथ। बस तू ऐसे ही मस्त मस्त आइटम के साथ मेरा एंटरटेनमेंट करवा, मैं तेरे प्रमोशन को एंटरटेन करता हूं। क्या कहा तेरा वो हलकट बॉस मेरे बारे में? छोड़ो ना, खाना ऑर्डर करते हैं। जरूर कुछ उल्टा बोला होगा साला चमरी, एक मिनट में तार जाती मैं साले इन कमीनों को। तू औरों के माफिक नहीं है, तूने अपन को इज्जत दी है, एक धंधे वाली को भी औरत समझा है तूने। ए रुक रुक रुक, ये तो मकान बिकान दिख रहा है मेरे को, कहाँ जा रहे हैं? मकान नहीं है, घर है मेरे दोस्त का। तो तू जाना, मैं बाहर ही इंतजार करती है, मेरे को अंदर नहीं जाना। ये मेरे बॉस जैसा नहीं है। तू कैसे कह सकता है, और वैसे भी मेरे को नहीं जाना मतलब नहीं जाना, घर के अंदर जाती है तो लगता है जैसे मैं बुकिंग पे आई है। वैसे बुक तो तुम हो, पूरी रात के लिए मेरे साथ। वो भी सही, तो फिर चले। चलो। यार सैमी, दिस इज नॉट डन यार, दिस इज नॉट एट ऑल डन। सरप्राइज तो मैं करने वाला था तुम लोगों को, मेरी और पूजा की मैरिज को लेकर के, लेकिन तुमने अपनी फियांसे को लाकर हमें ही सरप्राइज कर दिया यार। शादी बोलने से पहले सोचा कर यार, ये मेरी फियांसे नहीं है, शी इज माय फ्रेंड मल्लिका। आई एम सो सॉरी यार, सो सॉरी। चलिए तो टोस्ट करते हैं। चीयर्स। चीयर्स। अपना ग्लास उठाओ।
क्या हुआ? तू तो पीता नहीं ना? मलकारिया, वो तो नहीं पीता है, but this toast is for Akshat and I, and you also. Anyways, glass उठाओ. उठाओ. मैं इसी के ग्लास में वो टोस्ट बीट जो भी होता है वो कर लेगी. एक ही ग्लास में टोस्ट, क्या बात है? सैमी, we like your choice. Well, thank you. थैंक यू. दिल से बोलती है, एक ही चिंगलिस की मक्की आती है मेरे को. अरे संभल के. तू नहीं जानता सामी क्या क्या है तूने. जो इज्जत तूने मेरे को दी है वो कभी भूल नहीं पाएगी मैं. तुम रोया मत करो, सूट नहीं करता तुम्हें. तुम सिर्फ लोगों को रुलाया करो, काफी है. फिर की नाले मेरी, वरना मारेगी मैं. हाँ, वैसे आज मैं बहुत खुश है, पता है कितनी? कितनी? इतनी. क्या बात है. गिर मत जाना. अरे कहाँ जा रही हो? अबे ऐसे कस्टमर्स, उसकी माँ की. नहीं कस्टमर नहीं, ऐसे बंदे. रोज रोज क्यों नहीं भेजता मेरे पास? क्या भेज नहीं सकता ना? मालूम था मैंने. अरे अच्छा, तूने बनाया नहीं तो भेजेगा कहाँ से? अरे अरे चलो बहुत हो गया अभी. तेरे को क्या लगता है मैं गिर जाएगी? हाँ और क्या. अरे नीचे उतरो, बहुत हो गया अभी. गिर चुकी है और कितना गिरेगी. हाँ तो नीचे उतरो. चलो बहुत ड्रामा हो गया, बारिश में भीग रहे हैं हम. इसकी माँ का. ऐसी बारिश रोज आनी चाहिए यार. और क्या क्या रोज चाहिए? बारिश भी, मैं भी. हाँ, रोज चाहिए, रोज. ये बारिश भी और तुम भी, वरना ये मलिका किसी भी दिन नहीं चाहिए. औरों का तो पता नहीं, लेकिन मलिका बने रहना या ना बने रहना ये तो तुम्हारे हाथ में है ना. क्या? हाँ. क्या कहा तूने? मेरे हाथ में सब कुछ है. हाँ. साड़ी दिलवा दी, कच्चे होटल में खाना खिलवा दिया, तो मसीहा बन गया तू. तू तो क्या जाने हमारी मजबूरी और तकलीफों को. हा? कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हैं साले. कहते मेरे हाथ में सब कुछ है. मुझे बड़ा मजा आता है ना सांड जैसे लोगों को अपने ऊपर चराने को. मत बोल ऐसा, दुखता है. एक अच्छे भले मजाक बना के रख दिया तूने. नफरत करती है मैं तेरे से, नफरत. ऐसे ऐसे क्या देख रहा है? मैं सच में तेरे को नफरत से ही याद करेगी. ऐसा भी कोई करता है किसी के साथ, दूसरों को अपने आप से घिन आने लगे. गया.
अरे 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 ये क्या क्या कर रही हो? अरे ये अरे अरे सुनो, मार डालती तुम्हें अगर बिना मुझसे मिले चले जाते तो। ढूंढती कहां मुझे मारने के लिए, बस यही सोचकर वापस चला आया। फिर कभी मिलोगे मुझसे? कम से कम फोन तो कर सकते हो। तुमसे मिलना, फोन करना, पता नहीं, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। मुझे याद तो करोगे ना? यहां से अच्छी यादें लेकर जा रहा हूं। अच्छी यादें साथ हो तो याद करने में आसानी रहती है। अक्षरा, दिस आर ऑफ द नाइट। हेलो, अरे जरा जी न्यूज तो ऑन करो, देखो हमारे जलवे छा गए हम। क्या जी न्यूज? सैमी, हम इलेक्शन जीत गए। यस, अक्षरा इज द न्यू कॉर्पोरेटर ऑफ साउथ ब्लॉक दिल्ली। व्हाट, रियली? दैट्स फैंटास्टिक न्यूज, कांग्रेचुलेशंस डियर। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैं ट्रेन में हूँ, कल पहुंच रहा हूँ दिल्ली। तब अच्छा चलो मैं रखती हूँ, बाद में बात करते हैं, सेफ जानी, बाय। दुबे जी, अक्षरा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीत गई। ओह ग्रेट न्यूज, शी इज ऑलवेज अ विनर। मनचाहा करियर, मन चाहा साथी, भला और क्या चाहिए किसी को जिंदगी में? मेरी नजरों से देखो तो तुमसे बड़ा कोई विनर है ही नहीं। अगर ये ट्रेन की जर्नी ना होती तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं विनर हूं? मुझे पता चलता ना चलता, ये ट्रेन की जर्नी होती ना होती, विनर तो तुम तब भी रहती दीवांशी। पैग मिलेगा क्या? क्यों बे? और रात की उतरी नहीं अभी, अब पीने के लिए नहीं उतारने के लिए चाहिए। लगेज है, उतारने के लिए चाहिए, चाय पी चुपचाप। ला भाई। भाई तू जा, क्या घूर के देख रहा है, जाना। चाय, चाय। ओ पुद्दू, कुछ तो लिहाज करा कर यार, क्या सोच रहा होगा वेटर तेरे बारे में? वेटर की माँ की आंख। ओ हैरी, ओ हैरी बोल, अपना हीरो क्या कर रहा होगा इस वक्त? हनुमान चालीसा का जाप। हमारी इस जर्नी का काउंटडाउन शुरू हो गया है सामी। आई होप
कि इस बार तुम अपना फोन नंबर मुझे जरूर दोगे। With pleasure. Here you go. Thank you. पूरी रात बीत गई लेकिन तुमसे ये नहीं पूछा कि अभी क्या करती हो। रात में तारे गिनती हूँ और दिन में तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करती हूँ। जोक्स अपार्ट, कोटा में अकेले रहती हूँ और वहीं से एक छोटा सा एनजीओ भी चलाती हूँ। कोटा तो दिल्ली के वेस्टर्न ब्लॉक में। ये हंसी किस खुशी में? नहीं वैसे दिल्ली में तो सिर्फ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स हैं, वेस्टर्न ब्लॉक तो हाँ वो कोटा में होता होगा शायद। क्या करती इतने सालों बाद मिले हो, कोटा में कैसे उतर जाती? भाई साहब एक टेलीग्राफ और एक फेमिना दीजिए। अरे वो तो इंग्लिश में है, हिंदी की बुक्स लो ना, सत्यकथा वगैरह। अगर इंग्लिश में ही लेनी है तो डेबोनियर, प्लेबॉय, वो बुक्स लीजिए, उसमें तुम्हारे मतलब की चीजें होती हैं। एक्सक्यूज मी, दो कौड़ी की मेमोरी है मेरी, लेकिन तुम्हारे केस में दूर से पहचान गया मैं। याद है चाइना गार्डन? याद है। अकेली है या कोई साथी है? अगर साथी नहीं है तो मेरी कंपनी बुरी नहीं है। And yes, no charity. Sammy, I can't believe, man, कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? अच्छा हूँ। Good. This is my friend, Devanshi. सालों साल चलती है फ्रेंडशिप तुम्हारी, हाँ? जरा दो मिनट, साइड पे आओ। जरूर। अबे इतने सालों से एक की आइटम को बजा रहा है, हाँ? मैं देता हूँ वैरायटी तुम्हें, बदले में इसे कुछ दिनों के लिए मुझे पास ऑन कर दे। तुम्हारे पास वैरायटी कौन सी है ये तो मुझे भी मालूम है मेहता। ओ मिस्टर मेहता से सीधे मेहता पे। खैर कोई बात नहीं, वैरायटी बता कौन है। अच्छी आइटम है। कौन है? तेरी बीवी। माइंड योर लैंग्वेज यू ब्लडी। सर दिल्ली आने वाला है, कुछ ऑर्डर होगी तो दे दो, ये लास्ट ऑर्डर समझो। बस भैया चांद बाबू, बहुत सेवा की तूने हमारी, हाँ अब इसको लास्ट ऑर्डर ही समझ और सौंफ की प्लेट लेते आइए भैया। और तेरी मस्त वाली हम ना करते हैं तेरी ट्रीटमेंट अच्छी। अच्छा सुन, ये देख, ये ना हमारा दोस्त है, ये फर्स्ट एसी के किसी कैबिन में बैठा होगा। हाँ। देखकर तो आज जरा बेटा जी कर क्या रहे हैं? सर साला पूरी रात से एक भी बार नहीं आया, फटाफट देख करा क्या कर रहा है। सर इनका बर्थ नंबर तो 7 और 8 है। अरे एक ही है ना उसकी? नहीं नहीं दोनों इन्हीं की है, इनके साथ एक भद्र सी महिला भी तो है। भद्र महिला? सॉरी यार, पता होता तो नॉक करके आते। नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, मीट माय फ्रेंड देवांशी। देवांशी ये मेरे दोस्त हैं हैरी और सोमू। हाय। चल सैमी फिर मिलते हैं बाद में, थोड़ा काम है तो। अच्छा जी चलते हैं हम। इट वाज नाइस सीइंग यू। ओए सोमू ये मलिका थी ना? अबे ऑफ कोर्स मलिका थी। और सैमी अपना भाई है यार, देख जब उसने मलिका का इंट्रो हमसे दीवांशी कह के कराया तो। बात तो सही कह रहा है तू। तुम कोटा से इतनी दूर दिल्ली आ सकती हो दीवांशी, और कुछ कदम चलकर मेरे घर नहीं आना चाहोगे? अक्षरा से मिलने का मन तो मेरा भी बहुत है, पर आज नहीं फिर कभी। There is never a second chance. There's always a second chance.
अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं। अगर मैं तुम्हारे घर आना चाहूं तो कोटा में अकेले? अकेले क्यों? अक्षरा से नहीं मिलवाना चाहते? क्यों, मैं अकेले नहीं आ सकता तुम्हारे पास? ऑफ कोर्स आ सकते हो, पर अगर तुम और अक्षरा दोनों मेरे घर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एड्रेस दो। टेक्स्ट कर दूंगी। क्यों टेक्स्ट क्यों, अभी दो ना। अरे आई विल टेक्स्ट यू ना। और अगर मैं कुछ दिन स्टे भी करना चाहूं तुम्हारे साथ तो? अपने अधिकार मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो? तुम्हारे साथ बिताई हुई रात ही तो मेरी जिंदगी। मैडम बहुत भड़कीली है तेरे पे, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती ऐसे बोल रही थी। दारू के गिलास पे गिलास गटकाती जा रही है। अरे पानी में रह के काहे को मगर के साथ बैर लेती है? बैठ जाना धंधे पे, काहे को इतना भाव खा रहे ले तू? हाँ ए नजमा, ऐसे बात करेगी इसके साथ? ले खुश कर दे मैडम को। कपड़े उतार। सच? I love you, अरे मेरी जान। कमाल है, मैं जो भी करती है वही सबको पसंद आता है। डॉक्टर बोला है मेरे को खूब वॉक भी करने का, कभी रुकने का नहीं। रुक, पहले गोली ले लेती है। तू चीज ही ऐसी, अरे तू जो भी करती है बस आग लगा देती है। वैसे गोली किस लिए, क्या वारी बोल। इसकी माँ का मैं हमेशा नाम भूल जाती है, बड़ी था सुसी बीमारी है यार। क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, हाँ एड्स। अरे क्यों कर रही है ये सब हरामी पना? हरामी हूं ना तो सिर्फ हरामी पना करना आता है। तेरे से बड़ी हरामी तो मैडम है, चीर के रख देगी तेरे को। उस नल्ले लौंडे ने ना तेरे को भी नल्ला बना दिया है। जो भी किया है उसने बनाया ही है, तेरी तरह बिगाड़ा नहीं है। अपनी सारी जिंदगी में मैंने ऐसी गवार नहीं देखी। देख लेना, कुत्ते भी नहीं पूछेंगे इससे। इसका तो जो भी हो नजमा, पर सच्चाई तो ये है कि अब अगर ये यहां रही तो सबको खराब कर देगी। जाके बोल मैडम को कि इसको भगाए यहां से। वैसे भी अब ये हमारी नहीं रही। ये ले मैडम ने दी है, रख ले, तेरी ही कमाई के हैं। मैं मैडम को समझ नहीं पाई सुजाता, पर ये पैसे मैं नहीं ले सकती, तू ये सब में बांट देना।
अच्छा ठीक है, थोड़े से रख ले। अकरम, गाड़ी रोक दे। भैया सुनो ना, आपने एक लेडी को इस कंपार्टमेंट से उतरते हुए देखा है? सांवले रंग की है, स्लिम सी। नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा। क्या वो आपके साथ थी? जी हाँ, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी वो। ठीक है, थैंक यू। बात पूछूं मल्लिका? मत पूछ।
लोगों को उल्टी सीधी कहानियां बहुत टिकाई हैं। तेरे से झूठ नहीं बोल पाएगी, इसलिए मत पूछ। देवांशी जा चुकी थी और मेरे पास उसको ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। एक वक्त था मैं मल्लिका को पीछे छोड़ आया था और आज देवांशी मुझे छोड़ गई थी। दोनों बार कारण अक्षरा ही थी। मैं चला आया क्योंकि मैं अक्षरा के साथ एंगेज था और वो चली गई क्योंकि उसने सोचा कि मैं अक्षरा के होते हुए उससे। इस बात की तो खुशी है कि वो इंसानी रिश्तों की अहमियत को समझने लगी थी, पर अफसोस इस बात का है कि मैं उसे बता नहीं पाया कि अक्षरा मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है। 2 साल पहले मेरा उससे डिवोर्स हो गया था। What? That's it? खत्म? I don't believe this. That means no happy ending. Shit, yeah. It's all Sammy's fault. He acted so stupid. No? Right. बता देना चाहिए था उसे। अभी एक साथ कितने खुश होते दोनों। Exactly. पर उसको तो मजाक की पड़ी थी। उसका मजाक उस पर भारी पड़ गया ना। But on the flip side, देवांशी चली क्यों गई? हाँ। बोलो लड़कियों, है जवाब तुम्हारे पास? अरे यार, वो पहले वाली मल्लिका थोड़ी है कि जहाँ चांस मिला लपक लो। She's altogether a new person now. In spite of her love for Sammy, she sacrificed because he was married. Simple. I agree. Free fund का मिल रहा था। लपक लेती। नहीं। सही बात है भाई। हाँ हाँ, as if तुम लड़के तो बहुत बहुत the wait होते हो, है ना? चलिए आलिशा, सिर्फ एक साइड से मत सोच। Don't you think Sammy ने अगर ये किया तो किसी रीजन के वजह से किया होगा? वैसे आई फील रिधा इज राइट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वेल, अकॉर्डिंग टू मी, वो शायद से ये जानना चाहता था कि देवांशी में अब भी मल्लिका जिंदा है या नहीं। यू मीन ही वाज टेस्टिंग हर? वेल, दैट्स माय पर्सपेक्टिव। तो क्या सैमी ने उसे कभी भी ढूंढने की कोशिश नहीं की उसके बाद? वेल, यू नो सर, आप अपने फ्रेंड को बोलो कि कुमका मिले ट्राई करे। मैंने पिक्चरों में देखा है, सब बिछड़े हुए लोग वहीं मिलते हैं। वेलकमिंग बैक टू द पॉइंट, शायद कोशिश की भी हो, बट ट्रू लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट गेटिंग द पर्सन फॉरएवर, आई बिलीव। यू मीन नमस्ते लंदन टाइप्स? साउंड्स फिल्मी, बट यस, ट्रू लव इज वेरी रेयर। इट्स अनकंडीशनल। इट्स अबाउट मेकिंग द अदर पर्सन हैप्पी। नथिंग एल्स मैटर्स रियली। बट आई स्टिल फील कि उनको मिल जाना चाहिए था। वेल, यू कैन से जब मल्लिका को सैमी की जरूरत थी, वो उसकी जिंदगी बदल गया, और जब सैमी देवांशी को चाहने लगा, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था शायद। By the logic of it, aren't twin souls meant to be together? Sir, what do you feel? कभी कभार जिंदगी में कुछ लोग कुछ पल के लिए आते हैं और सदियों के लिए छू के चले जाते हैं। उनका मकसद वहीं तक होता है और शायद यही है ट्विन सोल्स का रियल कॉन्सेप्ट। मिलना ना मिलना, that's secondary. Wow. वैसे सर, दिवांची और सैमी का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जरूर एक न्यू ट्विन सोल स्टोरी शुरू हो गई है। आपको सैमी के तो वेयरअबाउट्स पता है, but what about दिवांची? Are you in touch with her? No, I'm not. लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी होगी, किसी ना किसी की जिंदगी में खुशियां भी खेल रही होगी। दीदी, दीदी चाय। You told
अजनबी सा एहसास है हर पल।